दरियाए रावी बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन दरियाए रावी के अंदर ही स्नोकर क्लब बना दिया गया है। लेकिन स्नोकर क्लब जनाब अभी मलामाल है या ठेकेदार ने जी। अच्छा, दिहाड़ी ते हो? दिहाड़ी ते। अच्छा, कभी खतरा नहीं होया कि सलाब सलूब आई जावे, कि पानी छानी दा? नहीं, कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं है? अच्छा, इंतजामिया भी नहीं पूछती आके पानी छानी दा? कोई खतरा? पानी आ जाएगा सवेरे भाई। अच्छा, सुबह आ जाएगा? सुबह आएगा पानी। सलाब भी आ सकता है? बिल्कुल सूख गई है ते वेच ही रावी दे जनाब। सलाब आना कदों है? सानू ते ही नहीं पता, जदों आएगा सी वंते चढ़ जाएंगे। अच्छा, हां, सानू डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, दरियाए रावी के अंदर पानी नहीं है, यानी कि दरियाए रावी बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन दरियाए रावी के अंदर ही स्नोकर क्लब बना दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरियाए रावी के अंदर स्नोकर क्लब कैसे बन गया, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाएंगे कि दरियाए रावी के अंदर पानी तो है नहीं है, लेकिन स्नोकर क्लब बन गया हुआ है। और अगर मेरा कैमरामैन आप दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर ब्रिज है और ये पुल है, ठीक है, और ये रावी के पुल हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये रावी का पुल है और ये रावी के अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल रावी जो है ना, यानी कि बिल्कुल खुश्क हो गई हुई है। और लेकिन रावी के अंदर जो है ना स्नोकर क्लब बना दिए गए हैं। आए हैं, अभी चलते हैं अंदर और अंदर चल के बात भी करते हैं, अंदर भाई भी मौजूद भी हैं और उनसे पूछते भी हैं। और पानी नहीं है बिल्कुल जी, दरियाए रावी के अंदर सूख चुकी हुई है, लेकिन जनाब यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह, सेहत ठीक जी? दुआ में जनाब, पानी नहीं है तो रावी के अंदर ही जनाब स्नोकर क्लब मलावा नु पुछो, सानू दी मालूमात कोई नहीं है, ओथे टैक्सी वाले बैठे दे ने। लेकिन स्नोकर क्लब जनाब ते जेड़ा है ना बना, अभी मलावा ने या ठेकेदार ने जी। अच्छा, वैसे इत्थे दिहाड़ी ते हो? दिहाड़ी ते। किन्नी दिहाड़ी है? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी लंदे जी लोग, यानी कि तुसी सोचिया पानी ते है नहीं, चलो फिर असी बिलेट रख लिए, ओ ठेकेदार ने रखी है। 1000 रुपया दिहाड़ी लंदे हो जी? लोग आंदे ने खेडर खुडन वास्ते इत्थे, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। अच्छा जनाब, ये देखें ना, ये बिलियर्ड आप देख सकते हैं और ये स्नोकर क्लब जो है ना, यानी कि बना देगा। रावी के अंदर पानी तो है नहीं है, लेकिन इन्होंने, अच्छा कभी खतरा नहीं होया कि सलाब सलूब आई जाए, पानी छानी दा? नहीं, कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं है? अच्छा, इंतजामिया भी नहीं पूछती आके? कारोबार ने सारी जगह अगर सली मियां सली अलॉटमेंट दे गए, उन्होंने कोई पूछ सकता जाके? दरिया के बीच बैठे ने, असीं तां कंढे ते आ, साडे भरा हो तुसीं, इत्थे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिहड़ी कवरेज की जाए या कोई मजा आए। गल हुंदी करन वाली, इत्थे करन वाला बंदा जाके पानी की मालूमात तुहानूं मलावां को मिलनी है। लेकिन बिल्कुल दिहाड़ी तो है ना, यानी कि अब देखें ये भाई भी नाज़रीन खेलने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, पानी छानी का कोई खतरा? पानी आ जाएगा सवेरे भाई। अच्छा, सुबह आ जाएगा? सुबह आएगा पानी। ठीक, पानी सुबह आ जाएगा? सुबह पानी। किस तरह? कोई बारिश बुरश होगी तो। अच्छा, रावी तो सूख गई? रावी 7 महीने हो गए सूखी रहनी है। कोई डर नहीं है। लेकिन नाज़रीन बात ये है कि लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि पानी नहीं है दरियाए रावी के अंदर, जो है ना पानी नहीं है, खुश्क होगी हुई है। और यहाँ पर दरियाए रावी में, अब ये सोचने वाली बात है, आप ही हैरान हो रहे होंगे कि दरियाए रावी के अंदर जो है ना, यानी कि वो स्नोकर क्लब बना दिया गया है। ज़ाहरी बात है पानी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, स्टोर करने के लिए पानी नहीं है, यानी कि हमारे पास डैम की कमी है। इंडिया तो धड़ाधड़ डैम बना रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि डैम की तरफ नहीं जा रहे। लास्ट टाइम एक हज़रत साहब उठे थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और चंदा वगैरह भी इकट्ठा किया था उन्होंने और डैम के लिए पैसे भी इकट्ठे किए थे उन्होंने। पता नहीं वो डैम कहाँ पे है, या पता नहीं समझ नहीं आ रही वो डैम कहाँ पे है, कि वो यानी कि उसका इफ्तिताह हो गया हुआ है या हो गया है या होने वाला है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हालात हैं कि जनाब बता रहे हैं कि रावी के अंदर जो है वो स्नोकर क्लब बन गई हुई है, पानी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये हालात हैं जनाब, और ये वीडियो नाज़रीन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता लगे कि दरियाए रावी बिल्कुल सूख चुकी हुई है और दरियाए रावी के अंदर जो है ना स्नोकर क्लब बना दिए गए हैं। अभी आपने गुफ्तगू सुनी है भाई की, और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है,
लेकिन ये है, हालात हैं जी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान नई भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।